fundamentals माने what is the management, who are the consumers, who are the suppliers, what kind of market in which that particular company is doing a business. That means perfect competition है, oligopoly है, duopoly है, monopoly है, ठीक है. आगे उसके expansion plans क्या है, अभी domestic market में you know उसका penetration है, आगे जाके foreign market में जाने वाली है, नहीं जाने वाली है, क्यों नहीं जाने वाली है. फिर कोई ऐसे इंडस्ट्री में तो काम नहीं कर रहे जो टेक्नोलॉजिकली यू नो ऑब्सोलेंट हो सकती है, मतलब आगे जाके आज उसकी बढ़िया टेक्नोलॉजी कल उठ के नहीं होगी, है ना. जैसे अगर आप हिस्ट्री देखो तो सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, IBM. पर जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट आ गया, IBM चला गया, है ना. दैट्स अ हिस्ट्री आई हैव, आई एम नॉट श्योर इट्स राइट और नॉट, बट ऐसा था, ऐसा कुछ सुना हुआ है ना. सो टेक्निकली IBM जितना टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाया, सो विंडोज हैड ओवरटेकन इट. ठीक है, राइट. सो ठीक है, अगर कंपनी के ये सारे फंडामेंटल सही है, अच्छे हैं, फिर भी अगर उसको प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा है, देन इट्स अ बाय. एंड दैट्स व्हाई लोअर पीई इज ऑलवेज अ बाय. और लोअर पीई पे जो बाय करते हैं दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल, लाइक वॉरेन बफे, है ना. ही ऑलवेज सर्चेस अ कंपनी व्हिच इज गुड एट इट्स फंडामेंटल्स, बट समहाउ द मार्केट इज नॉट इवैल्यूएटिंग इट्स एट द राइट प्राइस, सो ही विल बाय इट एंड ही विल स्विच अ स्लिप ओवर. ही विल नॉट सी दैट इक्विटी फॉर 5 10 15 20 इयर्स, एंड व्हेन ही विल वेक अप द ग्रोथ विल बी फिनोमिनल. ठीक है ना. और जिसका पीई हाई होता है वहां पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल, बिकॉज उनको आज से कल में पैसा बढ़ा लेना है. दे आर नॉट हियर फॉर 5, 10, 15 ईयर्स. आज पैसा डालो, कल निकालो एट अ फिनोमिनल ग्रोथ, है ना. तो अब देखो, क्योंकि ये 15 पीई है उसका, तो एक रुपया ईपीएस बढ़ेगा, प्राइस 15 टाइम्स बढ़ जाएगा. ठीक है ना. यहां से और एक सबक, जब इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा हो ऑलवेज इन्वेस्ट इन द हायर पीई ग्रोथ स्टाइल, और जब मार्केट नीचे आ रहा हो तब ऑलवेज इन्वेस्ट इन लो पीई और यू कैन से वैल्यू स्टाइल. ठीक है, क्योंकि ग्रोथ की स्पीड ऊपर या नीचे कहीं पे भी जाओ ज्यादा होती है. वैल्यू स्टाइल की स्पीड ऊपर या नीचे कहीं पे भी जाओ हमेशा कम होती है. अगर आपने पुराने जमाने में वो कहानी सुनी हो खरगोश और कछुए की, है ना, तो ये आपका खरगोश है, ये आपका कछुआ है. ठीक है, चलिए, गुड. देन कम्स बुक वैल्यू. नाउ बुक वैल्यू ढूंढने से पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा व्हाट इज नेटवर्थ. नाउ नेटवर्थ हमने शायद पहले कभी डिस्कस किया है. नेटवर्थ इज द नेट असेट्स. बैलेंस शीट अगर देखे तो टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टी अदर देन ओनर्स, है ना. मतलब क्रेडिटर है, बैंक लोन है, डिबेंचर्स हैं, ये सबको माइनस कर दीजिए. बाकी क्या बचेगा अगर बैलेंस शीट देखा जाए तो मेजर टू पोर्शन बचेंगे, व्हिच इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. सही है, ठीक है. तो ऑल असेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज दैट विल गिव यू नेटवर्थ, और एल्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस विल गिव यू नेटवर्थ. सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर मैंने कोई कार खरीदी है, 5 लाख की मैंने कार खरीदी और उसमें 3 लाख की मैंने लोन ली, तो अगर इसमें आप देखा जाए तो क्या होगा, मेरी असेट साइड 5 लाख की कार आएगी, लायबिलिटी साइड 3 लाख की लोन आएगी. 5 लैक्स माइनस 3 लैक्स, 2 लैक्स इज माई नेटवर्थ. ठीक है, ऐसी कंपनी की बुक वैल्यू होगी, नेटवर्थ होगी. दिस नेटवर्थ divided by number of equity shares will give you book value per share. Again, बात वही पड़ती है. यहाँ पर अगर मैं profit की जगह इसको बोलूँ ये नेटवर्थ कितने की है, which is a better नेटवर्थ, B is a good thing ना. नेटवर्थ 10,000 is better, पर अगर divided by number of equity share कर दूँ तो A is better, because ये अब यहाँ पर अगर मैंने यहां पर नेटवर्थ कर दी तो ये ईपीएस की जगह क्या आएगा, बुक वैल्यू. सिंपल है ना. तो सिंपल बात है, अगर आपके पिताजी के पास 1 करोड़ है नेटवर्थ और आप अकेले बच्चे हैं
और दूसरे के पिताजी के पास 1 करोड़ हैं पर उसके 6 बच्चे हैं, किसके साथ शादी करेंगे? है ना, बस ऐसी बात है। ठीक है, चलिए। ठीक है, एक आपका लास्ट रेशियो रहता है कॉल पे बैक पीरियड। नो, पे बैक पीरियड एक्चुअली दो प्रकार से होते हैं, एक होता है नॉर्मल पे बैक पीरियड, एक होता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। बेसिकली आपको बताता क्या है कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो किया है वो आप कितने साल में रिकवर कर लोगे। इफ यू वॉन्ट टू राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन पर्टिकुलर सम, आई जस्ट डिक्टेट दैट एंड विल अंडरस्टैंड बाय दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख रुपीज। कैश फ्लो इन द फर्स्ट ईयर इज 25,000। ईयर टू 15,000। Year 2, 15,000. Year 3, 5,000. Year 4, 50,000, 50. And year 5, 25,000. Now tell me, what is the payback period? How do you calculate this? देखिए, year 1 25,000. What you need to do is find out the cumulative cash flow, है ना? तो year 1 में तो 25 है, year 2 में total cash flow कितना हुआ? 25 plus 15, 40,000. ठीक है, year 3 में कितना हुआ? 45. Year 4 में कितना हुआ? 95. Still you have not recovered 1 lakh. Clear है? ठीक है. अब 95 में last year का cash flow plus करेंगे कितना होगा? 1,20,000. Now आपको ये समझ आ गया होगा कि 4th year तक मैंने अपनी cost recover नहीं करी. 5th year के end पे मैंने ज्यादा पैसे recover कर लिए. है ना, तो कहीं पे भी मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये 4 या 5 साल के बीच में कहीं आया होगा. अब यहां पर ये एक अजम्पशन है कि ये जो भी कैश फ्लो आपको 5th ईयर का दिया गया है वो सारा कैश फ्लो हर मंथ में इक्वली डिवाइडेड है. ये अजम्पशन लेके चलना है. ठीक है, अब देखिए 95,000 4 ईयर्स तक आपने कवर करे हैं, दैट मीन्स 1 लाख अभी भी नहीं हुए हैं. ठीक है, मतलब 1 लाख कवर करने के लिए यू रिक्वायर एटलीस्ट 4 इयर्स. एटलीस्ट 4 इयर्स. ठीक है, बाकी कितना बचा? 5,000. परफेक्ट. अब ये 5,000 आपने रिकवर करना है 5th ईयर में. ठीक है, और 5th ईयर का पूरा कैश फ्लो है 25,000. सो कैन आई से 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000? ठीक है, चलिए तो आपका आंसर आएगा 0.2 आई थिंक, या 0.2. ठीक है, इज इट ओके? ठीक है, मतलब मुझे 0.2 इयर्स लगेंगे, 4 साल और 5th ईयर का 0.2 ईयर.
अब अगर मुझे इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है, कहना है मल्टीप्लाइड बाय 12, आई गेट 2.4। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे बट नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं 4 years and 2 months। ठीक है, अगेन वो 4 को करना है तो 0.4 into 30 करोगे तो डेज में आ जाएगा, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मली 4 years and 2 months दिस इज योर पे बैक पीरियड। डिसीजन मेकिंग पार्ट पे जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड जितना कम उतना ज्यादा, मतलब उतना अच्छा। सो अगर कोई आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर एक साल में आपने पैसा रिकवर कर लिया, दैट इज ऑलवेज बेटर देन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको पैसा रिकवर करने में 5 साल लग रहे हैं। दैट्स अ कॉमन सेंस आई थिंक, उसमें कुछ सोचने लायक है नहीं। ठीक है, सो पे बैक पीरियड जितना कम उतना बेहतर। सो लेसर द पे बैक पीरियड बेटर इट इज। अब अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लो हो तो क्या करेंगे, यही चीज को डिस्काउंट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ढूंढेंगे हर एक इनिशियल, मतलब हर एक इंडिविजुअल कैश फ्लो की, है ना। अब मान लीजिए कि इसका यू नो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग मानो हम 8% लेके चलते हैं। ठीक है, अब 8% लेके चले तो क्या हुआ, 25,000 डिवाइडेड बाय 1.08 ऐसा होगा, है ना, तो ही प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। ठीक है, 15,000 का क्या करेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 1.08 स्क्वायर, क्योंकि वो सेकेंड ईयर में मिल रहा है। थर्ड ईयर का कैश फ्लो, जो भी कैश फ्लो है, डिवाइडेड बाय 1.08 raised to 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आया उसमें से आप देखिए कि कौन से साल में आप रिकवर कर रहे हैं, बाकी प्रोसीजर सेम, बहुत फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत फर्क आता है, मे बी 2-3-5 months 6 months जितना फर्क आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। इज इट ओके, ऑलराइट। सो बाकी जितना बचा है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बचा था, वो हमने ऑलरेडी कर ही लिया है, IRR एंड NPV एंड ऑल। ठीक है, तो बाकी चैप्टर में कुछ बचता नहीं है, तो दैट इज एंड ऑफ योर चैप्टर। टुडे वी हैव कंप्लीटेड इकोनॉमिक एनवायरमेंट एनालिसिस एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड अदर फाइनेंशियल रेशियोज। नाउ वी आर लेफ्ट विथ वन मेजर चैप्टर विच इज अ बिहेवियरल फाइनेंस एंड वन और टू स्मॉल चैप्टर्स विच इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड ऑल। सो विल नॉट टेक मोर देन 1 or 2 sessions नाउ। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल टुडे, बाय।